सफर है ये सफर है, कहानियों का ये सफर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित वाधवा, कहानियों को आवाज देता हूँ। और बड़े लंबे समय के बाद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई टी टाइम स्टोरी, जिसका टाइटल है जिंदगी का असली मजा, और जिसे लिखा है अंजलि खेर जी ने। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं ये टी टाइम स्टोरी। चाय की चुस्कियों के साथ सुनिएगा, मजा आएगा। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? अरे मैं विनय बोल रहा हूँ, क्या हुआ? तुम आने वाले थे मेरे घर चाय पर, अभी तक नहीं पहुंचे। अरे बस 15 मिनट में पहुंचता हूँ यार, क्या करूं, सामने वाले घर में एक बच्चा रहता है, वो खेलते खेलते गिर पड़ा, चोट लग गई थी उसको, उसकी मरम पट्टी कर रहा था, बस निकल ही रहा हूं। ये कहकर पवन ने मोबाइल डिस्कनेक्ट किया और फिर चल पड़ा बाइक से विनय के घर की ओर। इधर विनय की खुशी का ठिकाना नहीं था, इतने सालों बाद उसका दोस्त, कलीग और उसका रूम पार्टनर उसके घर उससे मिलने आने वाला था। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे मुलाकात होगी। वो तो अच्छा हुआ कि बेटे के दोस्त के पापा ने भंडारा रखा था। वैसे मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता भंडारे में खाने का, पर बेटा जिद करके मुझे वहां ले गया तो देखा एक कुछ जाना पहचाना सा चेहरा जो आग्रह करके सबको खाना परस रहा था। शायद मेरी तरह उसे मुझे देखकर कुछ अपनेपन का एहसास हो रहा था, इसीलिए मेरा खाना खाने के बाद उसने ही मुझसे आकर पूछ लिया, आप विनय हैं क्या? मैंने पहचानते हुए उससे पूछा, अरे तू पवन है, और ये आप क्या लगा रखा है, तू तो आज भी नहीं बदला, वही बरसों पुराना सेवा भाव, वही परमार्थ, वाह। क्या करें विनय, अपना तो वही पुराना शगल है, जहां देखा मेरे सहयोग की जरूरत है सब कुछ भूलकर वहीं जुट जाया करता हूं, पवन ने विनय को गले लगाते हुए कहा। रहता कहां यहां, मैं तो अभी यहां शिफ्ट हुआ हूं, इतने सालों बाद यूं मुलाकात होगी, कभी सोचा भी नहीं था। घर पर आना, साथ बैठकर चाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे, विनय बोला। ठीक है विनय, रविवार को आता हूं, सुबह आऊंगा, चाय के साथ पकौड़े भी खाऊंगा। अरे बिल्कुल पवन, वही ब्रेड रोल बनवाऊं जो तू बनाया करता था। नहीं भाई, ब्रेड रोल तो मैं ही बनाकर खिलाऊंगा तुझे और भाभी जी को। 4 दिन न जाने कितनी बेसब्री में बीते। आज वो दिन आ ही गया था जब दशकों पुराने दोस्तों का मिलन होना था। साक्षी, चाय के साथ भजिए भी तल देना, पवन आता ही होगा, विनय पत्नी से बोला। इतने में डोरबेल बजी। डोरबेल बजते ही विनय आनंद फानन में दरवाजा खोलने दौड़ ही पड़ा था। ये बात, आ गया मेरा दोस्त, कैसे हो विनय, कहकर विनय पवन का हाथ थामकर अंदर की ओर ले आया। अरे वाह विनय, तुम्हारा घर तो आज भी वैसा ही चकाचक है जैसा तुम बरसों पहले रखा करते थे, पवन घूम घूम कर ड्राइंग रूम देखने लगा। भैया नमस्कार, कहकर साक्षी 2 गिलास पानी ट्रे में रख लाई। हाथ में ग्लास लेकर पवन कहने लगा, बाहर से सूखा ग्लास, अब लगा के विनय की पत्नी हो। क्यों भैया, क्या हुआ, साक्षी ने पूछा। भाभी पता है, जब भी मैं पीने के लिए ग्लास में पानी भरता था तो पहले ग्लास को हमेशा पानी से खंगालता था, और जब गीले ग्लास में पानी लेकर आता और कभी इसे ग्लास पकड़ाता तो ग्लास के बाहर पानी की बूंदें देख इतना चिढ़ जाया करता था कि बस बरस ही पड़ता था मुझ पर। अरे पवन अब बैठ भी जा, मुझे भी याद है जब हम शनिवार और रविवार को क्रिकेट खेलने निकला करते थे तो तू कहता था, तुम आगे निकलो, मैं बस तुम्हारे पीछे पहुंचता हूं, और बस हम ग्राउंड पर तुम्हारा इंतजार करते रहते थे, और खेल खत्म होने के बाद, घर पहुंचने के बाद पवन साहब आते हैं और बताने लगते थे, वो ग्राउंड पर जाते जाते बीच में पड़ने वाले सरकारी अस्पताल के बाद एक गरीब व्यक्ति मिलता है जिसे खून की जरूरत होती है, और जनाब ब्लड डोनेट करने वहीं रुक गए। साक्षी तुम्हें पता है, मैं इसके ऊपर कितना भी खींचता, कितना भी चिल्लाता, पर ये पक्की मिट्टी का बना था, चुपचाप सुन लेता और सॉरी बोल देता, पर अगली बार वही गलतियां दोहराता। भाभी आप तो चाय लेकर आइए, मैं इसकी आदतें आपको बताता हूँ जो शायद आपको इतने सालों में भी नहीं मालूम होंगी, कितने अत्याचार किए हैं आपके पति ने मुझ पर। बस भैया 5 मिनट में लाती हूँ, आप तो यादों का पिटारा चालू रखिए, बताते जाइए, मुझे किचन में सुनाई पड़ता रहेगा, साक्षी चहकते हुए बोली और किचन की ओर चली गई। भाभी आपको पता ही होगा,
आपका पति यानी ये हिटलर समय का इतना पाबंद था कि अगर मैं सुबह 10-15 मिनट भी देर से उठता तो साहब अपनी चाय बनाकर पी लेते, अपने लिए 4 रोटी सेक कर सब्जी बनाकर अकेले टिफिन बना लेता और लड़कियों की तरह मुंह फुलाकर बैठ जाता था। 8-10 दिन लग जाते थे मुझे इसे मनाने में। पवन चटखारे लेकर विनय की बुराइयां बताने लगा। क्यों जी, क्यों जीना दुश्वार कर रखा था आपने मेरे भैया का? आप तो बिल्कुल सास बन बैठे थे इनकी। लीजिए भैया, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। अरे साक्षी, तुम क्या जानो, इसको तो खाना बनाना आता ही नहीं था। बस एक ब्रेड रोल बनाने को बोल दो और उसमें भी इतना किचन फैलाता कि देखते ही मेरा दिमाग गुस्से से तम तम आ जाता था। और फिर ये तो एक बड़े समाज सेवक थे, इनको कोई भूखा प्यासा दिखता तो अपना टिफिन भी उसे ही खिला देता था। एक बार जबलपुर गया था इसके घर, इन्होंने तो नवरात्रि के व्रत रखे हुए थे, पर घर के सामने आने वाली गाय बकरी के लिए रोटियां बना बनाकर हैरान हुआ जा रहा था। विनय हंसते हुए बोला, तो क्या हुआ जी, ये तो प्राणी मात्र के लिए दया भाव ही तो है भैया का। साक्षी पवन का पक्ष लेते हुए बोली, हाँ अब दोनों एक से एक मिलकर 11 हो गए हैं, जिनमें जिंदगी जीने के नियम ही अलग हैं। अरे टाइम मैनेजमेंट, साफ सफाई भी कोई चीज है या नहीं? विनय बोला, अरे यार ऑफिस में काम करने के सर्कुलर होते हैं, पर अपनी जिंदगी जीने के लिए कोई सर्कुलर नहीं होना चाहिए, जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। अपने इन बेफजूल के नियमों को मानने में हम छोटी छोटी खुशियों का मजा ही नहीं ले पाते। देखिए भाभी जी, आपके लजीज भजिए और गर्मा गर्म चाय का मजा किरकिरा कर रहा है ये, पवन ने शिकायती लहजे में कहा। हाँ भैया, गाना भी तो हम सुनते हैं ना, सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। सच भैया, कई बार तो मैं भी इनके कायदे कानूनों से परेशान हो जाती हूँ, साक्षी ने सुर में सुर मिलाकर कहा। अरे यार बस करो तुम दोनों, अब मैं मानता हूँ कि मैं अपने नियम कायदों के चक्रव्यूह में जिंदगी के कई अनमोल खुशनुमा पलों का आनंद नहीं उठा पाया, तुम्हारे जैसे प्यारे दोस्त के साथ बैचलर लाइफ की मस्ती एंजॉय नहीं कर पाया, अपनी पत्नी के साथ शादी के शुरुआती दिनों की स्वर्णिम यादें नहीं समझो पाया। कोई बात नहीं जी, अभी भी देर नहीं हुई, आपका पुराना दोस्त भी मिल गया और मैं कहां आउटडेटेड हुई हूं, अभी हम सब मिलकर फिर धमाल कर सकते हैं। हाँ चलो, जीवन का नया अध्याय हम मिलकर शुरू करते हैं, जिसमें कोई बंदिशें नहीं होंगी, कोई रोक टोक नहीं, बस जिंदगी जिएंगे अपनी मर्जी से। तीनों मिलकर हंसने लगते हैं। बस इतनी सी थी ये छोटी सी टी टाइम स्टोरी, उम्मीद करते हैं आपको बेहद पसंद आई होगी। अंजलि खेर जी की कलम से निकली ये टी टाइम स्टोरी आपको कैसी लगी, आप हमें जरूर आपका फीडबैक दीजिए। किस तरह की स्टोरीज आप सुनना पसंद करते हैं, आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल और सुनते रहिए कहानियों का सफर, साथ ही पॉडकास्ट शो एंड इंटरव्यूज भी। अमित का नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।